पूरा कच्चा रहता है। इधर हो गया हमारा पानी, दूध और ये चाय पत्ती, चीनी वगैरह, सौंफ वगैरह, दालचीनी और इलायची वगैरह, अदरक वगैरह सब इसमें है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज विपिन कुचेला। ठीक है, तो आज अभी आप लोगों ने टाइम देखा 4 बज रहे हैं, थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ 10-15 मिनट के अंदर। सामान वान सब कुछ पैक कर लिया है, बहुत ही डिफरेंट और फ्रेश कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उस जगह पे मैं बचपन में गया था, जब मैं छोटा हुआ करता था ना बचपन में, तब तो मैं और मेरे भाई जा रहे हैं। आप देखना भाई, बिल्कुल आप लोगों को मज़े आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो किस टाइप का एडवेंचर होगा। बस फटाफट निकलते हैं और सारा सामान रख लिया है, वहाँ पे जाके इंजॉय कराने वाला हूँ आप सब लोगों को। हेलीकॉप्टर शॉट और सिनेमैटिक जहर वाले बहुत सब लोग आप मिस कर रहे हो, और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो उनको स्टोरी दिख रही होंगी। सब चलो फटाफट लेट्स गो। 4 कप के बज चुके हैं, 4 बजते बजते ऑलमोस्ट 4:45 हो चुके हैं, और जहाँ हम जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारे घर से शायद कुछ 10-12 किलोमीटर दूर होगा शायद, क्योंकि रास्ता मेरे को नहीं पता, हमारे बड़े भैया को मालूम है जो कि अंदर हैं, अभी उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो चलो यहाँ पे हमारे बड़े भैया आते हुए, बैग को संभालो। आज एक्चुअली लाइक ऐसा हो रहा है कि मैं कहीं पे ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो ये 2-4 घंटों के लिए जा रहे हैं और सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही डिफरेंट पहाड़ वहाड़ देखने को मिल जाएंगे आपको। आप सोच रहे हो कि पहाड़? हाँ भैया, पहाड़ देखने को मिलेंगे, बस देखते रहो। चलो पहले से गिरवा लेते फिर सही है, फिर उसके बाद आराम से भी। हाँ भाई, ये कुल मिलाकर बात ऐसे कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा कि आई डोंट नो, देखते हैं वहाँ जाके। क्या इधर मानो? हाँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के ब्लॉग देखता हूँ, तो सच में वो लोग ना ढंग से अगर कहीं कैंपिंग वगैरह कहीं एडवेंचर करने जाते हैं ना, तो ढंग से रास्ते को बताते नहीं हैं, और फिर वही लोग कमेंट में करते रहते, पूछते रहते भाई ये कहाँ पर है, हम भी उसी जगह रहते लेकिन आपने ढंग से बताया नहीं, बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। तो मैं आपको पूरा बताऊँगा, हम जहाँ भी जाएंगे आपको अच्छी जगह से, मतलब जहाँ भी हम एडवेंचर करेंगे अगर आप पास, तो ये है फरीदाबाद गुड़गांव वाला रोड, और शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए हम ये ब्लॉग बनाई है। ये लेफ्ट वाला जाएगा गुड़गांव की तरफ, राइट वाला जाएगा मोड़ बड़कल की तरफ। अब कहाँ मुड़ना है? यहाँ मुड़ना है। फटाफट जो हम आप जो हमने आपको सिखाए हैं, अब जो आपको शॉट देखने को मिलेंगे वो हमारे बड़े भैया हैं, हमने उनको कुछ ट्रिक बताई हैं सिनेमैटिक वाली, कितने देखते हैं कितने कामयाब हो पाते हैं। तो 1, 2, 3 हाँ, सामने एक बोर्ड लगा हुआ बढ़कर ले, लेकिन हमें कहाँ जाना, आगे इधर उधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, तो आप हमें बताइए ना। लोकेशन देख रहे हो यार, बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग वाली लोकेशन है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अकेले कभी भी मत आना भाई, सही है जी, आना अपने दोस्त यार दोस्तों के साथ आओ, अकेले तो मैं कब का आया था। मंदिर का ये है, ओहो ये रहा, तो रास्ता देख रहे हो गाइस, दिस इज द रास्ता गाइस। इधर अब हम लेने वाले हैं तगड़े वाले हेलीकॉप्टर वाले शॉट, सही है, और नज़ारा देख रहे हो, एक नंबर, फुल डिफरेंट कंटेंट आप सब लोगों के लिए। तो इसके लिए लाइक ज़रूर करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सही है, आप लोगों के लिए स्पेशल इतनी दूर आए हैं हम, डिफरेंट कंटेंट। और अब देखो जहरीले वाले शॉट, सही है, फिर हम जाएंगे मंदिर की तरफ जो कि बहुत और अंदर है, 3-4 किलोमीटर। चलो Thank you.
सामान वामान, अब दो ईंट ईंट तो मिल ही जाएंगे रास्ता में। ओके भाई चलो। अच्छा भैया ओके जी चलो, यहाँ पे हमारी ऑफ रोडिंग चालू होती हुई, लेट्स गो। आई होप कि आप लोगों को यार ज़रूर मज़ा आ रहा होगा, सही है। और यही बार बार बोल रहा हूँ कि अकेले कभी भी मत आना, बिकॉज हम लोकलाइज हैं तो हमें तो सब पता है, पूरा जंगल वाला इलाका है, ठीक है जी। तो बस गाड़ी पंचर ना हो जाए यहाँ गलती से भी, यानी तो हम तो गए फिर काम का। पूरा कच्चा रास्ता है और यहाँ पे कोई भी वो नहीं आती भाई, अपनी पर्सनल गाड़ी से आओ तो ज़्यादा सही है। कुछ कुछ लोग आते हैं जिनको पता है यू नो थोड़े बहुत, लेकिन वही लोग आते हैं, फैमिली वाला तो कोई नहीं आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पे लफंडर ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान से आना भाई जो भी कुछ है, सही है। रास्ता देख रहे हो, बहुत ही खतरनाक रास्ता। ये अंटी लोग ही गांव के आसपास में रहेंगे। और यहाँ पे अभी हम रुक के ना बहुत कुछ करने वाले हैं, आप देखते जाओ अभी क्या क्या होने वाला ब्लॉग में। यहाँ यू कहाँ है, वो तो गुफा सी दिखाई दे रही है। अंदर गांव में, गांव भी है मैं। ओ भाई साहब अंदर की तरफ। अच्छा जी कौन कौन से गांव है यहाँ? मामा पूरे पहाड़ में गांव गांव बस सके। देख रहे गाइस रास्ता देख रहे, बहुत ही खतरनाक है, बहुत डरावना है। तो प्लीज़ मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अकेले कभी मत आना, हमें तो भैया लोकल लाइट है हमारे पास, हम तो अपना वो डंडा वंडा भी लेके आए हैं गैल में, बैग में डंडा वंडा भी धर रखा हमने तो भैया, सही है। तो रास्ता देख रहे हो कतई जहर वाला हो यूँ ना मामा, मुँह उठा के मैं तो, हमारा तो भैया हमें गांव के देहाती सही है। तो भैया तो समझ गया ना जो भी कुछ है, बस बाइक पंचर ना हो जाए गलती से भी। रास्ता देख रहे हो बहुत ही खतरनाक भाई, एक नंबर। अभी तो इतना तगड़ा वाला नेवला देखा था ना, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, बहुत बड़ा था नेवला, बहुत बड़े ने सांप नेवले तो यहाँ आम बात है, क्योंकि जंगल वाला इलाका है। तो भैया सोच समझ के आओ, सेफ्टी के साथ आओ। ये देखो अब यहाँ पे परसों मंदिर वो रहा सामने ही, तो हमारी लोकेशन देख रहे हो सामने आ चुकी है, झरना वरना मंदिर मस्त, पहाड़ वहाड़ आ चुके हैं। नीचे जाना अब हमें, अब यहीं पे हम अपनी बाइक को यहीं खड़ा कर सकते हैं। तो ये जी गाइस अब यहाँ पे अपनी बाइक को खड़ा करेंगे, और ये किसी की बैटरी लो हो रही है, तो ऑस्मो पॉकेट अच्छा रहा मैं ले आया। चलो बहुत नीचे नीचे जाना हमको भाई। हाँ सामने लिखा हुआ है परसों कुंड का लगा है मंदिर।